Hello everyone, a very good evening to you all, to all my viewers and to all my wonderful students and my dear friends. Guys, today's question is relating to family law. We all know that under Indian legal system, we have two semesters for family law. One is for Hindu law and the other is for Muslim law. We studied these two in greater detail. The question is relating to divorce. That is, divorce by mutual consent has been provided in which section? Hindu law ke, Hindu marriage act ke kis section mein provide kiya gaya divorce by mutual consent? Try to understand this question. Mutual consent, divorce ke tarah tarah ke grounds hai. Adultery hai, communicable disease hai, to some religious form hai, desertion hai, cruelty hai, alag alag divorce ke grounds hai for dissolution of marriage. उसी में जो सबसे बढ़िया जो ग्राउंड है, दैट ग्राउंड इज म्यूचुअल कंसेंट. म्यूचुअल कंसेंट वेयर बोथ द पार्टीज, बोथ द स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ हैव गिवन द कंसेंट फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज आउट ऑफ देयर ओन वॉल्यूशन, वॉल्यूंटैरिली. अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की मर्जी है, वॉल्यूंटैरिली मतलब विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी फियर और फेवर, दोनों अगर खुद की मर्जी से कंसेंट दे रहे हैं कि हमको अब इस वेडलॉक में नहीं रहना है, हमें मैरिज को खत्म करना है और हमें आगे बढ़ना, वी हैव टू मूव ऑन, राइट. हस्बैंड हैज आल्सो गिवन द कंसेंट कि हमें डिवोर्स लेना है एंड वाइफ हैज आल्सो गिवन द कंसेंट कि हमको भी डिवोर्स लेना है. म्यूचुअल कंसेंट एक तरह से देखें तो ये दोनों तरफ से शुगर वाली चीज है, शुगर डैडी वाली चीज है कि तो मतलब दोनों तरफ से आप कह रहे हैं कि भैया हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ और हस्बैंड दोनों की तरफ से. तो इससे बढ़िया डिवोर्स का कोई ग्राउंड है ही नहीं. इसमें डिवोर्स भी बड़ी आसानी से मिल जाता है क्योंकि कोई भी पार्टी रजिस्ट नहीं कर रहा है. और बाकी सब में देखिए, एक पार्टी जनरली होता है कि उसका रेजिस्टेंस होता है कि हमें डिवोर्स नहीं लेना है, या फिर उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं उसको वो डिफेंड कर रहा होता है. इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना कोई किसी के ऊपर चार्ज लगा रहा है, ना कोई किसी चार्ज को डिफेंड कर रहा है. यहाँ पर दोनों पार्टीज बोथ हैव म्यूचुअली अग्रीड, आपसी समझ से, आपसी सहमति से बोथ हैव अग्रीड कि नाउ वी हैव टू कॉल इट क्विट्स, वी हैव टू एंड आर वेडलॉक, वी हैव टू एंड आर मैरिज, वी हैव टू डिजॉल्व आर मैरिज एंड वी हैव टू मूव ऑन इन आर रेस्पेक्टिव लाइफ्स. सो ये सेक्शन 13B इंडियन ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, फैमिली लॉ का, उसमें दिया गया है. और सेक्शन 13B में सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. ये सवाल बहुत बार आपके जुडिशियल सर्विसेज में, APO में, क्लैट UGPG में बहुत बार पूछा गया. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस एंड द कॉन्सेप्ट, द मीनिंग ऑफ व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाई डिवोर्स बाई म्यूचुअल कंसेंट, राइट. और इसी तरह के रेलेवेंट वीडियो के लिए, अगर किसी भी लॉ पेपर में अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे मैनेजमेंट डेस्क पे, एंड देन वी शैल बी प्रिपेयरिंग अ वेरी सिंपल वीडियो फॉर यू, वेरी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड विथ, सो दैट लॉ डज नॉट फील लाइक अ बैगेज अपॉन योर शोल्डर. इट फील्स लाइक दैट लॉ इज अ वेरी 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 इजी एंड स्मूथ सब्जेक्ट एंड इट बिकम्स वेरी intoxicating paper for you that you can't live without, right. Thank you everyone for watching. Jai Hind, Jai Sri Ram.